दिवस कासगंज देश प्रदेश भर के साथ साथ कासगंज जिले में जहां एक ओर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर KAPG डिग्री कॉलेज के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर लंबित मांगों को अनदेखी का आरोप लगाकर नारेबाजी की। KAPG डिग्री कॉलेज में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी और ऑल कॉलेज टीचर संगठनों के प्रदेशीय आह्वान पर काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान शिक्षकों ने अपनी एकजुटता का आह्वान करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार को चेतावनी दी। शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर AP गुप्ता ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि सातवां वेतन आयोग को अति शीघ्र लागू किया जाए। प्रोफेसर चौहान कमेटी के अनुशंसाओं को सार्वजनिक करना, 100% वित्तीय सहायता पूरे देश में समान रूप से लागू की जाए। इन सब सात मांगों को लेकर आज जंतर मंतर नई दिल्ली में शिक्षक नेताओं द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। अगर सरकार ने उनकी मांगें अति शीघ्र लागू नहीं की गई, तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के आह्वान पर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। वहीं भाजपा सरकार में अहम भूमिका अदा करने वाली कॉलेज की प्रोफेसर संघ की उपाध्याय डॉक्टर प्रेमला वशिष्ठ ने बताया कि सरकार की जो नई गवर्नमेंट आई है, जिसे हमने बहुत सहयोग किया है, लेकिन सरकार ने शिक्षकों को आहित किया है, उनकी मांगों को अनदेखा किया है। वह इस मोदी सरकार से बेहद दुखी है। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रमिला वशिष्ठ। मैम, आज जो काला दिवस मना रहा है, शिक्षक दिवस है, उसके बावजूद भी आज काला दिवस मना रहे हैं, क्या वजह रही है जी? हमारे शिक्षकों के साथ ये जो नई गवर्नमेंट आई है, जिसका हम लोगों ने बहुत साथ दिया है, और यहाँ तक कि हम लोग घूम घूम के हमने BJP सरकार का, क्योंकि पुरानी सरकार ने कुछ ऐसा किया था, तो हमने बहुत उनके साथ साथ दिया और उसका दूसरी सरकार का विरोध किया। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आके सबसे ज़्यादा शिक्षकों का अहित किया है। मैं बिल्कुल सामने बोल रही हूँ, सरकार ने शिक्षकों का सबसे ज़्यादा अहित किया है। और दूसरी बात, जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, सब कर्मचारियों के ऊपर सारी गाज गिर रही है। हमारा सातवां वेतन आयोग, आप सभी को पता है, 2016 में जनवरी में लागू हो गया था, किंतु अभी तक उसका निस्तारण नहीं किया गया है। शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं प्रदान किया गया है। दूसरा, इसके अलावा जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया, API का एक नया रगड़ा उन्होंने शुरू कर दिया। और तीसरी बात, हमारे जो वेतन जो नए शिक्षक हैं, जिनको पेंशन योजना जिनकी मतलब आवश्यक है, वो पेंशन योजना ख़त्म कर दी है। हमारे जो मानदेय शिक्षक हैं, उनको पूरी तरह से हम स्थायीकरण उनका चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो सरकार के पाले में है, और हम लोग उनका सहयोग करना चाहते थे, किंतु 2 साल लगभग होने को आए और हम लोगों के साथ उन्होंने कुछ भी ऐसा सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया है, जिससे हमारी शिक्षण संस्थाएं, हमारे शिक्षक और कर्मचारी वर्ग का सहयोग करें। बहुत अहित हुआ है। एक तरफ तो सहयोग की बात कर दी कि हमने घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार बिल्कुल किया था, और फिर उसी पार्टी ने आपको इतना विरोधाभास स्थिति कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत फैन थी बड़ी मोदी की, मैं स्पष्ट बोल रही हूँ आपको, लेकिन मोदी जी अकेले सरकार किस तरह चला रहे हैं, वो हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शिक्षकों ने ऐसा क्या किया है? सब जब शुरू में वो आए थे, शिक्षक विरोधी है मोदी कह सकते हैं आप, ऐसा ही लग रहा है मुझे, तो ऐसा ही प्रतीत होता है। AI फुट्टो के आह्वान पर आज दिल्ली में जेल भरो आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसके तहत सारे पूरे प्रदेश और देश भर से सारे शिक्षक दिल्ली में जंतर मंतर पर आज इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ शिक्षक अपनी जो है गिरफ्तारी देंगे, अपनी मांगों के समर्थन के लिए, अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए, तो आज ये आह्वान किया गया है। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाए, तो आगे क्या रुख अपनाएंगे, क्या करेंगे? अभी तक हमारा जो पिछला कार्यक्रम था, उसके बाद ये हमारा ये 5 सितंबर का कार्यक्रम ये दिया गया है, और इसके बाद अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो आज ये रणनीति वहाँ बनेगी दिल्ली में, उसके अलावा हमें जो जैसा दिशा निर्देश मिलेगा। न्यूज़ के लिए कासगंज से रोहतास कुमार की रिपोर्ट।